आईपीएल 2019 में दिल्ली कैपिटल्स के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बल्ले से जमकर नरन निकले हैं। बुधवार को ऋषभ पंत ने 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 49 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को एलिमिनेटर मैच जिताया और तो और दिल्ली में रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 2 विकेट से मात दी। पंत ने दबाव में दमदार पारी खेलकर टीम को पहली बार प्लेऑफ के मैच में जीत दिलाने में बेहद ज्यादा अहम भूमिका निभाई। और तो और पंत की इस पारी और आईपीएल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए बॉलीवुड के एक्टर ऋषि कपूर ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और साथ ही साथ कोच रवि शास्त्री से एक सवाल किया है। दिग्गज कलाकार ने कप्तान और साथ ही साथ कोच से ये पूछा है कि पंत को वर्ल्ड कप टीम में क्यों शामिल नहीं किया गया। अक्सर अपने ट्वीट्स के कारण सुर्खियों में रहने वाले ऋषि कपूर ने पंत को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, रवि शास्त्री और विराट कोहली बताओ। तो वहीं अब ये लगातार ही वायरल हो रहा है। उसके अलावा आईपीएल के 12वें सीजन के शुरुआती कुछ मैचों में पंत के बल्ले से रन नहीं बने, लेकिन उसके बाद पंत ने मोर्चा संभाला और साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को कई सारे मैच भी जिताए। पंत इस आईपीएल में 15 मैचों में 37.50 के औसत और 3 अर्धशतकों के साथ 450 रन बना चुके हैं। पंत की इसी फॉर्म पर एक बार फिर से दिनेश कार्तिक के चयन पर डिबेट शुरू करा दी गई है। नेक्स्ट साइन स्पोर्ट्स से अजय की रिपोर्ट।